दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आदिकाल से मनुष्य द्वारा वृक्षों को प्रयोग में लाया जा रहा है। वैज्ञानिक दृष्टि से वृक्ष और मनुष्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। वृक्ष हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वहीं जीने के लिए हमें ऑक्सीजन देता है। सबसे खास बात यह है कि वृक्ष हर तरह से जन उपयोगी होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही वृक्ष के बारे में जो आपके लिए फोड़े फुंसी दाद खुजली इत्यादि में रामबाण साबित होता है। इसमें हम बात करने वाले हैं नीम के पेड़ की। नीम के पेड़ की छाल त्वचा रोगों के लिए बहुत लाभदायक होती है। त्वचा पर होने वाले फोड़े फुंसी दाद खुजली इत्यादि में नीम के छाल का प्रयोग किया जा सकता है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए इसे पानी में घिसकर संक्रमित स्थान पर लगाएं। भोजन करने से पहले रोज एक एक चम्मच चूर्ण लेने से मधुमेह नियंत्रित रहता है। दोस्तों अगर आप चर्म रोग से ग्रसित हैं, तो नीम की पत्तियां भी इसमें बहुत फायदेमंद होती है। इसे पानी में उबालें और पानी ठंडा होने के बाद नहा लें। इससे आप चर्म रोग से बचते ही होने की संभावना भी कम हो जाती है। तो दोस्तों ये था कि आप चर्म रोग के लिए त्वचा की समस्याओं के लिए नीम का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।